हर पल में धोनी का स्वागत और हम धोनी के साथ रवीना अर्जुन। अभी हम मौजूद है मोराबादी बापू वाटिका के समीप, जहां पे जेएमएम के कार्यकर्ता 27 दिन से लगातार धरना पे बैठे हैं। आखिर किस वजह से बैठे हैं, एक नहीं से जान लो। अभी हमारे साथ हो पूर्व विधायक जेएमएम के, अभी एक से जान लो कि यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, यहाँ पे तो 27 दिन से बैठे हैं, आखिर की रीजन है यहाँ बैठे के। हम इनके यहाँ लगातार बापू वाटिका के पास उपवास कार्यक्रम चल रहा है। वजह ये है कि प्रदेश अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सब मिल के ही अलग झारखंड बनेले। पहली बार मौका मिले हमने के सत्ता में आवे के। हमर मुखिया हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम करो ले झारखंड के गरीब गुरबा के, एक ऐसा नैसन काम करके कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ झारखंड में ही होले जरा से गरीब सब लाभान्वित हो रहा। एक से भाजपा बहुत घबरा गए और घबरा के भाजपा हेमंत सोरेन के गिरफ्तार करल के। झारखंड के जनता कभी बर्दाश्त नहीं करते। आज ये लगातार हमने के उपवास धारणा कार्यक्रम चलो है और गांव-गांव में भी हमने के पद यात्रा चल रहा है। और जरूरत पड़ते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी है, वो तीर धनुष भी उठावे में देर ना करे, जरूरत पड़ते तो जरूर तीर धनुष उठा। अभी 27 दिन रह गया, अभी तक कोई नतीजा ना आया, आगे कितना दिन तक धरना में बैठेंगे? अभी हमने न्यायपालिका के इंतजार कर रहा ली। न्यायपालिका की करो है, हमने को उम्मीद है कि न्यायपालिका न्याय करते है, और नहीं तो न्याय के लिए हमने हथियारों उठावे जाने। आगे की रणनीति कौन सी, आगे खातिर कौन सी सोचे? वो आगे का रास्ता ही बताते कि हमने के की। अभी हमने बात कर लिए पूर्व विधायक ग्रीडी से निजामुद्दीन अंसारी से, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे लोकनियों से बात कर पाए। सबसे पहले कैमरा के लिए अपना परिचय दे। मैं ग्रीडी का जिलाध्यक्ष संजय सिंह, क्योंकि आज 27 दिनों से यहाँ बापू वाटिका रांची में केंद्रीय समिति के द्वारा जो कार्यक्रम उपवास का कार्यक्रम चरणबद्ध आंदोलन के तहत ये क्रमवार चल रहा था, आज ग्रीडी जिले की बारी है। मैं अपने कई साथी कार्यकर्ताओं के साथ, पूर्व विधायक भी हमारे साथ आए हुए हैं, हम लोग आज उपवास में बैठे हुए हैं। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं। हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के साथ जिस प्रकार से साजिश करके एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को एक ऐसे मुकदमे में जिनसे दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, केंद्र की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस प्रकार से केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण पूरे देश में हेमंत सोरेन जी हैं। आज भी झारखंड में कांग्रेस की विधायिका विधायक अम्बा प्रसाद के यहाँ छापा चल रहा है, जो लोकतंत्र में जो विरोध की आवाज़ें हैं मोदी सरकार में, भाजपा के सरकार में, केंद्र की सरकार के इशारे पर वैसे आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सिर्फ न्यायपालिका से उम्मीद बची हुई है, नहीं तो अब आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में हम भरोसा रखते हैं, इसलिए ये उपवास है, चरणबद्ध आंदोलन है और केंद्रीय समिति आगे जो निर्णय लेगी तो सड़कों पर उतरने की जरूरत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और अपने नेता के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद किए, आज पूरे देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। न उनके यहाँ ईडी की जाँच होती है, न इनकम टैक्स का रेड होता है, न एनआईए जाती है, न सीबीआई जाती है। क्या सारे भ्रष्टाचारी, सारे जो विरोधी जो उनके शर्तों पर घुटने नहीं टेके, वैसे नेताओं को, वैसे सरकारों को, वैसे लोगों को परेशान करने की जो कार्रवाई चल रही है देश की जनता देख रही है। और जो लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोग हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। अभी हमने सुन ली किस तरह से जेएमएम के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के सपोर्ट कर रहे हैं, रोड पे भी उतरे खड़े तैयार है, यहाँ पे और भी लोग से जानो कि किस तरह से सपोर्ट करते हैं। कैमरे के लिए अपना परिचय दे दी। यही इन्होंने रांची बापू वाटिका समग्र आले ग्रीडी जिला सिंधन तेन मिद दिवस धरना कार्यक्रम हेकना और इन ग्रीडी जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा सेक्रेटरी कनाई सचिव कनाई और तेन नवा बापू वाटिका कम से कम पार्टी निर्देश और आदेश ते तेन 27वां दिन धरना कार्यक्रम चलना और पूर्व मुख्यमंत्री आले साहेब माननीय हेमंत बाबू का भारतीय जनता पार्टी ईडी लहा कत तेन जेल भित्री को दोहोका
आले पूरे झारखंड प्रदेश रे प्रत्येक जिला सिंखन आले विरोध प्रदर्शन ले अगुईदा और धारणा कार्यक्रम ले दोहेदा और पूरा गिरिडीह जिला रे मिमिक गोटे आतो मिमिक गोटे पंचायत मिमिक गोटे प्रखंड रे तेहेन पूरे के पूरे रोस मेना इदरी मेना और उना इदरी बखराते आले जबकि नोड़े खोज जेल खाना के आदर्श पार्टी से खोले नामा और आले किसी भी परिस्थिति रे नवा न्याय तो आले पाले सहवा नवा लगी ताले जहाँ दिन आंदोलन रे आले फेड़ो हो ताले उनाले फेड़ोआ और हेमंत बाबूआ नवा जे गलत तरीका तक फसाओ का दिया नवा ने बजोर ले बदिदा और नवा तब तक ले विरोधा जब तक उन्हीं नवा जेल खोए बाहर ते बैठ उठूंगा तब तक आले नवा विरोध ना भारी मुक्तर दे तो होया और नवा झारखंड मुक्ति मोर्चा कसम करना और पूरे आले वो संथाल समाज हो मिटे कसम करना मिटे आदिवासी करना है संथाल करना है उन्हें ये तो नहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत जेल रिकॉर्ड कर दिया वहाँ तो बल्ले बर्दाशा चौहान। अभी हमने सुन ली कि जिस तरह से आदिवासी के बात करें तो आदिवासी बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आए गए हैं और खातिर की आगे भते और से जानो यहाँ बहुत कोई लोग हैं। यहाँ एक और पूर्व विधायक बैठा है गिरिडीह से, एक बात करो अपन कैमरा के लिए परिचय दे दी। हमार नाम हल प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा और हम गांडे से पूर्व विधायक हिये और आज हमने गिरिडीह जिला के ही पूरा यहाँ बैठे लिए उपवास में और हर दिन हमने पार्टी के अलग अलग जिला के यहाँ बैठक गुरु है और हमने कहल बैठक गुरु हमने बतेबे कर हमने विधायक जी और सब बतेबे कर और हमने में ये आक्रोश है कहे कि भारत के जो लोकतंत्र के ना ये लोकतंत्र के हत्या करब गुरु है ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे से तोर सवाल ये हो कि हाँ। अभी तो नहीं यहाँ पे धरना में बैठा ली गिरिडीह के सारे समर्थक हाँ। की हाँ। यहाँ पे सपोर्ट कर रहे ली भूख हड़ताल कर रहे हाँ। लेकिन जो गिरिडीह से ना आवे पा रहा वो किस तरह से तोर सपोर्ट कर रहा है जिसे रांची अवे की बात हल्ला तो हम हाँ रांची अवे की बात हल्ला तो रांची में कह की जो धरना उपवास के जो प्रोग्राम रखल जाए सब गोटे मोटा मोटी मानो है कि 400 आदमी 500 आदमी बैठक चाहिए तो हमने 400 आदमी ये सिम्बोलिक है ये सिम्बोलिक रहा मैंने खुद ही नहीं खाली मैंने दिखाया वास्ते ये सिम्बोलिक है वहाँ गिरिडीह जिला के लाखों लाख मैंने गिरिडीह जिला के लाखों लाख कार्यकर्ता और जनता मैंने सब आदमी दुखी है कि किरण यहाँ पर लोकतंत्र के हत्या भारतीय जनता पार्टी वाला गर्भ गुरु है आज 27 दिन बीत गए उनकर गिरफ्तारी के हेमंत बाबू के कोई एक प्रमाण ना देख पारे कोई बतवे ना पारे है और ईडी जबस्ती उनखरा पकड़ला के बाद झूठे प्रमाण खोजब गुरु है तो कितना बड़ा अपराध है कितना बड़ा अन्याय है एक निर्दोष मुख्यमंत्री के जकर कोई दोष ना आले ओकरा गिरफ्तार कर लेले ही ओकरा मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देले ही ई वास्ते पूरा जनता आक्रोश में है और जनता कहल के कि हम जे हमनी के चीटिंग करब गुरु है जो भारतीय जनता पार्टी वाले ओकरा हमनी सबक से घबे अभी चुनाव होवे वाला है लोकसभा के चुनाव होवे वाला है लोकसभा के चुनाव में सौसे झारखंड खाली गिरिडीह जिला की बात ना करिए सौसे झारखंड के आदमी शपथ कर लेले हैं कि 14 में से 14 सीट जो है हेमंत बाबू के जो समर्थन में इंडिया गठबंधन चलब गुरु है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के जीते हुए और भारतीय जनता पार्टी बता दब है कि दो जोन खातिर झूठे पकड़ ले ही तो मनसूबा हमने फेल कर देव मनसूबा तो सफल ना हो देव ताकि मनसूबा यह हल कि हेमंत बाबू के जेल में डालब और एक पार्टी वाला आदमी चुनाव हरा देव हेमंत हमने बड़ा नेता हक हमने के ताकत हक हमने के सब कुछ हेमंत बाबू होके ओकरा अपनी पकड़ ले है और ये आंदोलन अभी तो पूछब करवा है उनखरा से कि आंदोलन कहिया चलता है तो ये आंदोलन तहिया चलता है जब तक हेमंत बाबू के जेल से ना रिहा करता है ये आंदोलन चलते रहता है फिर हम नहीं अब फिर दूसरा जिला के थे डेली जिला वाला क्रम बाय क्रम हम चले भाई क्या कि हमने न्याय मांगब गुरु है जे अपराध कर ले है भारतीय जनता पार्टी वाले जे लोकतंत्र की हत्या कर ले है जे संविधान के आज मिटवे खोजब गुरु है हम नहीं चले ना दबे क्या कि हम झारखंड के बेटा आ गए हम सब झारखंड के माटी के आदमी सब ला लिए और हमारा झारखंड के नेता हमने हेमंत बाबू के जो हमने दिशुम गुरु जो हल पूरा झारखंड राज्य मनवा वास्ते आंदोलन करलक जो हमने के ताकत दल के पहचान दल के ओकरा आज गिरफ्तार कर ले झूठा गिरफ्तार कर ले और ये गलत बात कर ले हम नहीं चले ना दबे और हम न्याय लेके रहबे। अभी अलग अलग भाषा में बात करें कि हमारा मकसद ये है कि ये झारखंड है और झारखंड में अलग अलग भाषा से मिलकर ही इतना सुनहरा झारखंड बनल है और अभी ये सब बहुत ज़्यादा आक्रोश है हेमंत सोरेन जी के लेके अभी 27 दिन तक धरना में लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ना भले अभी एक ने लगातार धरना करे के बात कर रहा है अब देखिए आगे कब तक सुनवाई होते तो ही झारखंड के महिला लगी और झारखंड के महिला हेमंत सोरेन के भाई मानो पिता मानो और अभी तो ही झारखंड के हेमंत सोरेन के सपोर्ट में आएगी तो ही के किस तरह के मुश्किल का सामना करे बिल्कुल
हमने सब झारखंड के लिए बहुत ही अभिमान स्वाभिमान के बात है, और झारखंड के शेर जाबाज हमने के दादा हेमंत सोरेन बिल्कुल बहुत ही तत्कालिक पूर्व मुख्यमंत्री जो युवा के और सभी माई बहन के बहुत ही हमने सब अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में देखो हलिए। लेकिन भाजपा के जो सरकार है ने से वो आज बन गए है गंगोत्री। ओकरा में जितना कोई पाप करते, जितना कोई भ्रष्टाचारी करते, जितना कोई रेपिस्ट रहते, सब वहाँ डुबकी लगेते और पवित्र हो जीते। लेकिन जे हमनी के झारखंड में युवा के लिए सोचते, जे महिला के लिए सोचते, जे बेरोजगार के लिए सोचते, जे शिक्षा के लिए सोचते, जे किसान के लिए सोचते, जे सारे लोगों के हित के लिए सोचते, वो भ्रष्टाचारी हो जाए और वो गबनकारी हो जाए और वो जमीन से रिलेटेड हर तरह के मामले में वो आरोप प्रत्यारोप हो जाए और बेबुनियादी आरोप लगाए करके आज हेमंत सोरेन दादा के जेल डले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने सब जितना भी महिला ही है ये सब घरे घरे जा कर के सबके बतावे के काम करब करिए। जितना अभी विकास के जे काम कर ले हथिन वो सारा हमने बतावे के काम करब करिए। और जिस तरह से सच्चाई की खातिर सब कोई लड़े हैं, हमनियों लड़ रहा लिए, संघर्ष कर रहा लिए, और एक दिन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सब माई बहन मिल करके हमने युवा लोग, युवती लोग, लड़की लोग बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देवे सब हमने आवे वाला समय में। धन्यवाद। बाकी सब अपडेट तो हनी के दबो जुड़ल रहिए लाइव इंडिया हरबल के साथ।